हैं। अस्सलाम वालेकुम योर ऑनर। हेलो जी, जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। नजा बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में एक दो दफा, मतलब पहले ख्वाब में मैंने काफी सारा मतलब शहद देखा है, और अभी कल रात को मैंने शहद की जो हनी बीज होती है वो देखी है, जैसे कि वो मतलब उनका जो नेस्ट है उसमें से शहद पी कर तो वो सारी उड़ जाती है। तो ये मुझे मतलब दो तीन दफा ये शहद और ये नजर आ रहा है, तो जरा इसकी प्लीज ताबीर बता दे, और मुफ्ती साहब से बोलें कि प्लीज हमारे लिए सबके लिए दुआ भी कर दे, फैमिली के लिए। ठीक, बहुत खूब शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब है, अगर आप कुरान का इलम हासिल कर रही हैं, कुरान की तिलावत, उसके मजामी, उसके मानी, कुरान का इलम हासिल कर रही हैं, तो इसका मतलब वो इलम आपको अता किया जाएगा। और अगर आप कुरान का इलम हासिल नहीं कर रही तो फिर आप कुरान का इलम हासिल करें, कुरान की तफसीर, तर्जमा, जो भी चीज़ें उस सुने। बल्कि मेरी जो जो फहम दीन कोर्स है जामितुल मुनीर के तहत, हर जुमेरात को 11 बजे से 12:30 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ रैम टीवी पे लाइव, पूरी दुनिया से हज़ारों स्टूडेंट उससे, तो उसमें कुरान का इलम भी है, तर्जमा तो कुरान भी उस पर, तो वो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लें। तो इसका मतलब आपको कुरान का अल्लाह इलम दे देंगे, क्योंकि शहद देखना और इसी तरीके से छत्ते से शहद टपकते देखना वगैरह, ये सब कुरान की जो के इलम के मिलने की अलामत है। आप उसके लिए कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह आप जो है उस कोशिश में कामयाब हो जाएंगी, अल्लाह अपने जो है किताब के इलम आपको अता कर देंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।